क्योंकि जहाँ पुण्य होता है वहीं देवता रहते हैं, निवास करते हैं। इसलिए पुण्यार्जन करो, पुण्य वर्धन करने के लिए यत्न यत्न करते रहिए, कुछ 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 दान करते रहिए, कुछ कुछ आप पुण्य करते रहिए, साधना करते रहिए। और हाँ, भगवान शिव का श्रद्धा से पूजन करिए, खूब करिए। भगवान शिव की जलहरी पर और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाओ, एक बिल्वपत्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। त्रदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र सेवा। एक बिल्व पत्र चढ़ाने से, ये जो बिल्व पत्र है ये भगवान शिव की तीन नेत्र हैं। कितने? तीन नेत्र, त्रदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्म पाप संहारम। एक बिल्व पत्र चढ़ाने से तीन जन्मों के पाप व्यक्ति के सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। जब तक पाप रहेंगे आप दुखी रहेंगे, जब आप पुण्यवान बन जाएंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। पुण्यवान बनने के लिए आपको सुखी, सुखवान बनने के लिए, सुखी रहने के लिए, धनवान बनने के लिए आपका पुण्य का वर्धन होना करना पड़ेगा। इंद्र भी, इंद्रलोक का जो प्रशासन करता है ना, यह भी पुण्य की चोरी कर करके करता है। आपके केवल एक दान करने से पुण्य प्राप्त नहीं हो जाएगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के जो पाप हैं ना, उन पापों को नष्ट करने के लिए आपको अधिक से अधिक आपको पुण्य करना है, आपको साधना करनी है, आपको आराधना करनी है, आपको चिंतन करना है, आपको ध्यान लगाना है। आपके ध्यान साधना से आपके पूर्व जन्म के जो पाप हैं, जिनके कारण से तुम दुखी हैं, वे पापों का शमन होता है। और तीन जन्मों का पाप केवल एक बिल पत्र के चढ़ाने से नष्ट हो जाता है। अब आप सोचिए, बिल पत्र की बड़ी महिमा बताई। शिवालय का पूजन करने माता चली तो आती हैं पूजन सामग्री लेकर के, लेकिन ढंग बड़ा निराला होता है पूजा करने का। कई माताओं को मैं देखता हूं तो एक बिल पत्र की बड़ी महिमा, लेकिन सावधान हो जाइए शिव का पूजन करने से। तो भगवान शिव के पूजन करते समय गलती मत कर देना, ये ध्यान रखना। एक तो कुछ माताएं ऐसी होती हैं मंदिर के द्वार पर जाकर के चौखट पर सतिया बना देती हैं, चीनी रख देंगी, मोली रख देंगी, चावल रख देंगी। अरे भैया, ये आपकी नादानी है, आपकी श्रद्धा को तो मैं सलाम करता हूँ, लेकिन वो आप पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ये शिव की चौखट पर, मंदिर की चौखट पर द्वार करके स्वास्तिक न बनाए। स्वास्तिक बनाने से आप अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उस स्वास्तिक पर गणेश का साक्षात प्रतीक है स्वास्तिक सतिया। उस पर किसी का पैर भी पड़ जाए तो आपको अपराध लग गया ना। इसलिए चौखट पर स्वास्तिक न बनाए, न वहां चीनी रखें, न वहां गुड़ चढ़ाएं, न चावल चढ़ाएं, ये सब बंद कर दीजिए। शिवालय की पूजा में क्या क्या चढ़ाना चाहिए ये भी ध्यान रखें। भगवान की शिवलिंग पर, पिंडी पर और जलहरी में आप बिल पत्र चढ़ाइए, आप चावल चढ़ाइए, आप चंदन लगाइए। रोली शिव पर नहीं चढ़ती, रोली वर्जित होती है। चंदनम अति महत्वपुण्यम, चंदनम लेपनम सर्व पापनाशनम। चंदन का लेपन करने से सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। इसलिए चंदन का लेप मस्तक पे त्रिपुंड बनाइए, उसी त्रिपुंड से अपना मस्तक पर त्रिपुंड बनाइए, मस्तक पर चंदन लगाइए। चंदन शीतलता प्रदान करता है, और भगवान शिव को तो शीतलता चाहिए। उनको शीतलता प्रदान करने वाले को जो चंदन लगाते हैं
उनको भगवान शिव शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए शिवालय पर बिलपत्र चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, चार चावल के चढ़ाने से निहाल कर देते हैं। अगर आपको धनवान बनता है तो एक मुट्ठी गीले चावल धो करके शिव पिंडी पर चढ़ा दें, ओम नमः शिवाय। आप नियम से प्रतिदिन ये कार्य करेंगे तो आपके घर में जो लक्ष्मी का अभाव है, धन नहीं टिकता है, तो धीरे 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 आपके घर में लक्ष्मी टिकने लगेगी, आप सुख का अनुभव करने लगेंगे। आप फल चढ़ा करके दिखा करके नीचे रख दें, शिव पिंडी पे न चढ़ाएं, दलहरी पर न रखें। कई माता तो हतोद्यम हो जाती है कि वो दीपक भी जलाती हैं आरती करके और शिव की दलहरी पर पिंडी पे ही रख देती हैं, वाहन जघन्य अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक जला करके शिव लहरी के बगल में नीचे रखें, शिवालय पर शिवलहरी पर न रखें, ये अपराध है। बिल पत्र जितनी मर्जी चढ़ाई, चावल चढ़ाएं, खूब चढ़ाई, 5 किलो चढ़ाओ, 10 किलो चढ़ाओ, 20 किलो चढ़ाओ, कुंटल चढ़ाओ, जितनी आपकी सामर्थ्य उतने चढ़ाओ। जल्दी से धनवान बनना तो चढ़ा दो, एक आध कुंटल क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से धनवान बन जाओगे। सच है, भगवान स्वयं कहा शिव कहते हैं कि जितना चावल चढ़ाओगे उतने ही जल्दी से धनवान बन जाओ। एक कट्टा रोज चढ़ाओ, 1 साल में है सामर्थ, कोई दिल वाला ही चढ़ाए। चार चावल के दाने चढ़ा करके भगवान शिव को निहाल करना चाहते हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपका मन बड़ा होना चाहिए। आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, भगवान तो यही तो देखते हैं, कैसा भाव लेके आया है। भावो विद्यते देवा विश्वासं फलदायकम्। भाव और विश्वास जितना आपका अटल होगा, जितना परिपक्व होगा, भगवान तेरे उतना ही नजदीक होगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही संसार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं। भगवान को क्या चाहिए, आपका शुद्ध निर्मल मन चाहिए। भगवान को आपका भाव चाहिए, आपका धन थोड़ी चाहिए, आपका शुद्ध मन चाहिए, आपका शुद्ध नित्य निर्मल मन चाहिए। भाव रूपी पुष्प भगवान को रोज अर्पण करिए, भाव में भर करके भावमयी श्रद्धांजलि। एक भाव रूपी अश्रु बिंदु पुष्प अगर आप रोज चढ़ाते हैं तो भगवान रीझ जाते हैं, तुझे अपना बना लेंगे और कहेंगे पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी। पकड़ के तो देखो, हाथ तो कहीं और ही पकड़ा रखा है। भगवान के साथ तो नाटक करते हैं, जब तक पूजा करेंगे तब तक तो कहेंगे प्रभु हमारा ये काम कर दो, प्रभु हमारा वो काम कर दो, भगवान ये ऐसा कर दो, भगवान वो ऐसा कर दो, भगवान आजकल ये बहुत टेंशन में है, भगवान का काम नहीं चल रहा है, सब ठीक कर दो। अरे भगवान की आपने भक्ति करी कहाँ, भगवान से तो आपने अपनी मांगों की इच्छा के लिए नौकर बना करके रखा है घर में, भगवान का बनाया। अपना कार्य कर सिद्ध करने के लिए भगवान को नौकर बनाते, लेकिन भगवान नौकर बनने के लिए तैयार होते हैं।